हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे एंड ऑलवेज बढ़िया रहना। आज मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ मास्टर पहुँचने के, जिसको फॉलो करके जो है आप एक दिन के अंदर जो है मास्टर पे आसानी से जा सकते हो। मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे बंदे का जो है डायमंड 2 या 3 या फिर 4 पर चला जाता है, और वहाँ पर जो मेन सिचुएशन होता है इतने हार्ड लॉबी आता है, मतलब आपका जो है माइनस लगा देता है। और आपने शुरुआत में इंट्रो में देखा ही होगा कि मैंने मतलब बुइया लिया और गेम को मास्टर, मतलब मैं मास्टर पे हूँ अभी। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप सभी के साथ, जो मैं कैसे खेलता हूँ और आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका माइनस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको जो है लैंडिंग मतलब सबसे दूर करना है। जैसे मैं इधर कराऊँ, देख सकते हो इधर एक भी बंदा नहीं आया है। अब तुम में से बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे हो दूर क्यों, तो मैं बता दूं, अगर आप दूर लैंडिंग करोगे तो आपके मतलब सामने कोई बंदा नहीं आएगा, जिससे कि आपका फाइट नहीं होगा, और फाइट नहीं होगा तो फिर माइनस लगने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको जितना हो सके उतना दूर करना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए, और हमेशा मतलब आपको जो है टॉप 30 या फिर टॉप 20 में ऊपर फाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपका उधर माइनस लगता है तो किल का टेंशन मत लो। आप सारे बंदे मतलब बोल रहे होगे फिर किल कैसे होगा? अरे भाई, किल का टेंशन मत लो, क्योंकि लास्ट जोन में आपको किल बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा कि अब लूट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए। देखो इतना मेरे पास बहुत लूट है, देख सकते हो 9 ग्लोबॉल और पूरा अच्छी लूट है, और इधर एक डब्बा भी, मैं इसको खोलता हूँ। और आपको हमेशा मतलब अगर कोई गाड़ी दिखता है सोलो रैंक में तो सीधा आपको गाड़ी ले लेना है, क्योंकि ये मतलब सोलो मैच है, इसमें कोई भी गाड़ी नहीं तोड़ता है। अगर वो गाड़ी तोड़ेगा तो स्कोर तो नहीं है कि तुम मतलब उससे मर जाओगे, अगर गाड़ी तोड़ता भी है तो बहुत देर के बाद टूटेगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। और देखो यहाँ पे एक बंदा आया और मेरे को इससे फाइट लेना था। आपको फाइट लेना हो तो लेना, वरना मत लेना, लेकिन मैं इसको मार देता हूँ। और देखे तो इस बंदे ने मतलब स्काइलर मतलब मार के मेरे को बहुत डैमेज दे दिया, और मैं भी मतलब इसको वन टैप मारा, लेकिन पता नहीं क्यों आज ग्लिच हो गया या कुछ, उसको वो मौके का निशान तो आया लेकिन देखो क्या होता है। और मैंने इसको काफ़ी अच्छा वन टैप मारा है, लेकिन ये बंदा नहीं मारा। और मेरे पास एक ग्रेनेड है, वो फ्लैश नेट, उसको मैं फेंक देता हूँ और देखता हूँ उससे मरता है कि नहीं। और ये क्या मतलब पीछे से एक और बंदा कोई गाड़ी लेके आ रहा है, और देख सकते हो इस बंदे ने मेरा ग्लोबल भी तोड़ दिया, और उस बंदे ने इस बंदे को बहुत सारा डैमेज दिया था, लेकिन मैंने भी इसको मार दिया, और इसी के साथ मेरा जो है किल एक हो चुका है। और मैंने इस बंदे को काफ़ी अच्छा एक फिर से वन टैप मारा, लेकिन फिर नहीं मारा, और मैं इस बंदे पे रस मारता हूँ और इस बंदे को जो है मैं आसानी से किल कर दिया। देख इस बंदे ने मेरे को काफ़ी अच्छा डैमेज दिया, मेरा आधा हेल्थ जो है खा गया, और फिर भी मैंने इसको मार दिया। चलो कोई बात नहीं, और हम इस दोनों को लूट लेता है, और मेरे पास अब बुइया करने के लिए बहुत सारा लूट हो चुका है। अगर कोई मेरे को एक बंदा भी नहीं मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैं जो और इसको भी लूट लेता हूँ, और इसके पास मेरे को इतना ग्लोबल मिलेगा, इतना ग्लोबल भाई साहब, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे ही बैग खोलता हूँ ये देखो, ये मेरे लिए शायद भगवान था, लेकिन मैंने भगवान को ही मार डाला, और मैंने भगवान को ही उड़ा डाला भाई, क्या ही बोले। और इसको मैं लूट लेता हूँ, इसके पास से काफ़ी अच्छा मुझे ग्लोबल मिल गया, और डेंजर भी आ गया तो मेरे को घर के अंदर जाना पड़ेगा, क्या पता अगर डेंजर से मर गया भाई, इतना अच्छा लूट का क्या करेंगे। और मैं फिर से गाड़ी लेकर अपना जो इधर आ गया, और मैं जैसे ही इधर आया मेरे को एक जिमखंडी बंदा दिखता है जो कि इधर भाग रहा था, और मैंने इसको उड़ाने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा सा जो है ये बच गया। आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि अगर कोई गाड़ी जा रहा है तो उसको मतलब ऐसे ही भागते रहना है, फटाक से ग्लोबल लगाना है, क्या पता ये सोलो मैच है, अगर उसने आपको उड़ा दिया तो आप सीधा मतलब रिवाइव नहीं होगे, नॉक नहीं होगा, सीधा लॉबी पहुँचोगे। और ये बंदा जो है गाड़ी लेकर इस टावर में घुस गया, लेकिन इस बंदे का फूटी किस्मत, इस टावर में ऑलरेडी एक बंदा पहले से था, और मेरे पास ग्रेनेड था तो मैं कोई रिक्स नहीं लेना चाहता। अगर मैं इस टावर में घुसता तो शायद से मैं मर सकता था, इसलिए मैंने सोचा इसको ग्रेनेड से ही मारता हूँ। अगर आपके नीचे से कोई ग्रेनेड फेंक रहा है और आप टावर में हो तो भाई आपको जो है झटक से नीचे मतलब फटाक से आ जाना है, वरना क्या पता आप भी इस बंदे की तरह कुत्ते की मौत मर सकते हो, जैसे मेरे जैसा बंदा अगर ग्रेनेड फेंकने वाला होगा। इसको मैं कुत्ते की मौत तड़पा तड़पा के मारता हूँ भाई, कोई शर्म नहीं है इस बंदे को, छुपे रहे टावर में। चलो कुछ भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ कि मेरे को किल मिल गया, और इस बंदे को लॉबी में जाना पड़ा, और ये बंदा फिर से मतलब गेम को स्टार्ट करके आएगा। और मैं इधर आ गया, और मैं जैसे ही इधर पेड़ के पास आता हूँ मेरे को एक बंदा बैठा हुआ उधर लूटता हुआ मिलता है, लेकिन क्या ही बोले भाई, मेरा किस्मत ख़राब, मैंने इसको इतना गोली मारा फिर भी नहीं मारा।
और इस बंदे ने उल्टा मेरे को ही डैमेज दे दिया था भाई। लेकिन मैंने फाइनली इस बंदे को जो है किल कर दिया। और मैं इधर से और देख रहा था कि कोई अगर एक और दो बंदा आ जाए, एक दो और, तो मैं इधर से जो है मतलब इसको भी मैं किल कर सकता हूँ। और देख सकते हो सिर्फ 6 बंदे अलाइव है। अब तो भैया अपना ही होगा, भैया होना पक्का ही। 4 ही बंदा बचा है, और मतलब 4 किल हो चुके हैं और 6 बंदा बचा है मेरे अलावा 5। और इधर मैं जैसे फैक्ट्री के इधर आता हूँ, एक और बंदा दिख जाता है जो कि उधर उधर मतलब कूद रहा था, मतलब उसके ऊपर छुपा था, चढ़ रहा था, और मैंने इसको मार दिया। पता नहीं क्या कर रहा था नोबड़ा। और शायद से ये अगर ग्लोबल लगाता तो बच जाता, लेकिन नहीं, ये तो नहीं। और मैंने इस बंदे को फाइनली जो है मार दिया। और इस बंदे ने शायद ग्लोबल नहीं था, या फिर क्या पता हो भी, लेकिन इस बंदे ने ग्लोबल बचाने के चक्कर में ग्लोबल नहीं लगाया और इसके चेस्ट से ये मारा गया। फिर जाएगा लॉबी में और गेम को स्टार्ट करके आएगा। और मैं इधर आ गया, और मेरे अलावा जो 2 बंदे बचे थे उसको एक बंदे ने मार दिया था और एक ही बचा था, और मैंने इसको गाड़ी से कुचल दिया। और इसी के साथ हो चुका है अपना भुइया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल पर न्यू हो तो। और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, देखते हो कितना प्लस होता है।